नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वहीं चलते हैं। कृषि और जल संसाधन का क्षेत्र हो या फिर स्किल डेवलपमेंट और रोजगार का, हर एक क्षेत्र में इस जनपद ने प्रगति की है। और भाइयों बहनों, वह प्रगति आज हम सबको देखने को मिल रहा है जब यहाँ का काला नमक चावल एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप सोच सकते हैं 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। भारत के बारे में दुनिया के अंदर अच्छी धारणा नहीं बनती थी 2014 के पहले, लोग शक की निगाह से देखते थे। भारत के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करते थे, अराजकता का तांडव था, अव्यवस्था थी, डेवलपमेंट के कार्य केवल घोषणाओं तक सीमित थे। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी संकट मोचक के रूप में देश के सामने, दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर डेवलपमेंट की बात ही क्या करनी, हाईवे, चमचमाते हुए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, एक लंबी श्रृंखला है। एक तरफ विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने का सिलसिला और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलना। कोई सोच सकता है 9 वर्ष में ही करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिल जाए, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन मिल जाए, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बन जाए, करोड़ों लोगों की स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हुआ हो, करोड़ों लोगों के लिए जनधन अकाउंट खुला हो। और कोई कभी कल्पना करता था कि भारत के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। कोई सोचता था कोरोना कालखंड में 3 वर्ष से अधिक समय से लगातार कोई सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही हो, और कोई सोचता था कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भारत दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाएगा और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजे फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज यह एक हकीकत है, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, कैसे भारत ने कर दिया, कैसे भारत के अंदर हो रहा है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश ने इसे अपना मिशन मानकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर पुष्टिकरण पर नहीं, सशक्तिकरण पर जोर दिया। 54 लाख गरीबों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास बने हैं, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय दिया गया है, 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, और अभी तो दीपावली और होली के अवसर पर उन्हें फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, कोई सोचता था 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा, और कोई सोचता था कभी इसके बारे में कि देश प्रदेश में 10 करोड़
आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। लेकिन यह हकीकत है, हमने पहले भी कहा, विकास सबका करेंगे, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं। उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा उसको शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन हम किसी का तुष्टिकरण नहीं करेंगे। हमने सशक्तिकरण पर जो ध्यान दिया और सशक्तिकरण के इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। कोई सोचता था सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज होगा? कोई सोचता था केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होगा? कोई सोचता था कस्तूरबा गांधी विद्यालय हर विकासखंड में होंगे? कोई सोचता था सिद्धार्थनगर जनपद की भी सड़कें चमचमाती भी दिखाई देंगी? भाइयों बहनों, यह एक हकीकत है और उसी हकीकत को कहने के लिए हमने माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया। माधव बाबू के नाम पर आज यहां का मेडिकल कॉलेज काम करना प्रारंभ कर दिया है। आज सिद्धार्थनगर के लोगों को आप अपने उपचार के लिए दिल्ली और लखनऊ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा इसी मेडिकल कॉलेज में सिद्धार्थनगर और आसपास के लोगों को प्राप्त होगा। ये सभी सुविधाएं इसलिए जिससे लोगों को सहूलियत हो, उनकी सेहत ठीक हो, हर घर नल की योजना, पाइप पेयजल की स्कीम हर घर तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, जिससे लोगों की सेहत अच्छी हो, बीमारी ना हो। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया, 40 वर्ष में जो कार्य नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में उस बीमारी को सदैव के लिए समाप्त करके यहां के मासूमों को बचाने का कार्य हुआ। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? शहर कूड़े के ढेर लगते थे, शहरों में सौदों का आतंक हुआ करता था, नगरीय क्षेत्र में भारी जल जमाव का सामना करना होता था, ट्रैफिक जाम की समस्या अलग थी। 2017 के पहले एक पार्टी विशेष के लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली की जाती थी। आज मैं कह सकता हूं 17 के बाद नगरों में कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि हमारे नगर भी स्मार्ट सिटी के रूप में आगे विकसित होते जा रहे हैं।